सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार जो है अर्थालंकार है और एक इसकी विशेषता है ये गम्य औपमेय। किस कैटेगरी में आता है? गम्य औपमेय। ये क्यों? क्योंकि ये उपमा से रिलेटेड है, इसमें उपमा दी जाएगी। और दृष्टांत जो नाम है, दृष्टांत हम अलंकार को भी, उदाहरण को भी कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो दृष्टांत, वैसे उदाहरण अलंकार एक अलग भी है, लेकिन दृष्टांत को यदि हम समझना चाहें तो दृष्टांत वो होता है जिसको हम एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बात कह रहे होते हैं, फिर हम कहते हैं कि जैसे, जैसे कह के अपनी बात कह दें, या फिर कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, कि एग्जाम्पल के लिए आप ये बात समझिए, सुनिए। तो वो दृष्टांत होता है जहां पे ऐसे एग्जाम्पल देके बात की जाती है। तो डेफिनेशन देखते हैं, समझते हैं कि ये अलंकार क्या कहता है। दृष्टांतः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिंबनम्। दृष्टांतः, ये तो अलंकार का नाम हो गया दृष्टांतः। पुनरेतेषां सर्वेषां, एतेषां सर्वेषां, इन सब का प्रतिबिंबनम्, बिंब प्रतिबिंब बने। अब देखते हैं कि ये क्या क्या कहना चाह रहा है, इन सब का जो अलग अलग अर्थ है वो क्या होता है। एतेषां साधारण धर्म आदि नाम, एतेषां जो है वो साधारण धर्म आदि है। दृष्टांतो निश्चयो यत्र से दृष्टांतः, और दृष्टांत क्या है, जहां निश्चय हो वो दृष्टांत है। अब फिर देखते हैं कि जो अंत शब्द जो यहां आया है दृष्टांतः, अंत जो है वो क्या है, इसका अर्थ होता है निश्चय अर्थ। जब इसमें निश्चय किया जाएगा ना, ये निश्चय बोधक शब्द है, अंत का अर्थ है निश्चय। पुनः एतेषां, पुनः जो है इसका अर्थ है, पुनः शब्द देने की क्या आवश्यकता थी, पुनः शब्द देने का कारण है कि एक प्रति वस्तु उपमा अलंकार होता है उससे दृष्टांत अलंकार का भेद दिखाने के लिए। क्योंकि जो प्रति वस्तु उपमा अलंकार है या उपमा अलंकार है, ये भी क्या होते हैं, यहाँ पर भी तुलना की जाती है उपमेय उपमान की, वो सब एक जैसा सा नजर आता है। अब वो वैसा ना लगे, जो प्रति वस्तु उपमा अलंकार है उसमें और दृष्टांत में जो भेद है वो पता चल जाए, इसलिए पुनः शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पुनः किस अर्थ में आया है, प्रति वस्तु उपमा अलंकार का भेद दिखाने के लिए, प्रति वस्तु उपमा, इस अलंकार को दृष्टांत अलंकार से अलग करने के लिए, भी इन दोनों में भेद है ये दिखाने के लिए पुनः शब्द आया है। एतेषां सर्वेषां, इन सब का, एतेषां सर्वेषां का मतलब है जो यहां दिया है साधारण धर्मादि नाम, अर्थात उपमेय उपमान, फिर इन दोनों के विशेषण और साधारण धर्म। एतेषां सर्वेषां का मतलब है उपमेय उपमान विशेषण और साधारण धर्म। प्रतिबिंबनम, बिंब प्रतिबिंब पड़े। अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो दृष्टांत अलंकार है वो कैसा होता है, उपमेय उपमान विशेषण और साधारण धर्म, इनका बिंब प्रतिबिंब पड़े। जबकि होता क्या है कि ये अलग अलग होते हैं, दो वाक्य होंगे दोनों ही अलग अलग होंगे। जो दृष्टांत अलंकार है वो अन्वय अर्थ भी होता है, अन्वय अर्थ अलंकार किसको कहते हैं, एक अर्थ को जो पीछे लेके आता है, अन्वय अर्थ अलंकार है। अब इसमें क्या होगा कि दृष्टांत वाक्य होगा, जैसे जो उदाहरण दिए गए हैं ये दृष्टांत वाक्य है, और उसके द्वारा क्या करेंगे, दार्शनिक या दृष्टांतिक वाक्य का जो अर्थ है उसका निश्चय इसमें होगा। जैसे उपमान वाक्य भी अपना होगा और उपमेय वाक्य भी अपना होगा, वाक्य पूरे पूरे होंगे और उन दोनों का ही बिंब प्रतिबिंब इसमें दिखाया जाता है। ये जो कह रहा है कि उपमान उपमेय विशेषण साधारण धर्म जो है इनका बिंब प्रतिबिंब बनता है। तो कैसे होता है कि ये पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, फिर भी उपमेय के प्रतिपादनार्थ, उसका प्रतिपादन करने के लिए ये बिंब प्रतिबिंब वाला भाव लेके आते हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं क्या कहते हैं, और दो प्रकार का होता है, एक साधर्म्य के अकॉर्डिंग होता है, एक वैधर्म्य से। साधर्म्य जो समानता को दिखाता है, सादृश्यता को दिखाता है, और एक विरोधी भाव को दिखाता है। पहला उदाहरण है साधर्म्य, साधर्म्यता से हम देखेंगे कि वो सादृश्यता वाला, समानता वाला क्या भाव है। तभी दृष्ट एव तस्या निर्वाति मनो, मनो भव जलितम आलोके ही हिमांशोर विकसति कुसुमम कुमुदवत्या। अब ये क्या कह रहा है,
इसमें जो एग्जाम्पल लिया गया है वो एक तरफ तो नायिका के मन का लिया गया है और दूसरी तरफ जो कुमुदी है उसके फूल का, कुमुदिनी का जो फूल है उसका लिया गया है। अब इसमें देखिए, तभी दृष्टा एवा, अब कोई कह रहा जो बात कह रहा है वो कवि जो कह रहा है क्या कह रहा है, तभी किसके लिए है, नायक के लिए। तभी दृष्टा एव, तुम्हारे देखने पर, जैसे नायिका की तरफ नायक देखता है या नायिका को जब वो नायक दिखाई दे जाता है, तुम्हारे देखने पर, ये नायक के लिए प्रयोग हुआ है। तस्या, तस्या उसका, तस्या कौन है, नायिका। निर्वाति, शांत हो जाता है क्या, मनः, मन, और कैसा है वो मन, मनोभव ज्वलितम, जो काम से संतप्त है ऐसा मन भी तुम्हारी दृष्टि पड़ने पर, तुम्हारे देखने मात्र से, यानी कि जैसे तुम दिखाई देते हो या नायक नायक जो है नायिका को देखता है या नायिका के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ती है, तुम्हारे देखने मात्र से, तुम्हारे देखने पर उसका मन, अर्थात नायिका का जो मन है जो काम से संतप्त है, निर्वाति, शांत हो जाता है। आलोकी कैसे हो जाता है, ये तो एक बात कह दी, एक प्रसंग चल रहा है, कवि कह रहा है कि जो नायक है उसके देखने पर जो नायिका का मन है वो शांत हो जाता है। अभी तो वो विरह में है जहां पे दर्शन नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही दर्शन होता है तो वो काम संतप्त जो हृदय है वो शांत हो जाता है। और कैसे हो जाता है, अब इसको उदाहरण के जरिए समझा रहे हैं। आलोके ही, आलोकित हो जाने पर, उदय हो जाने पर, किसके, हिमांशो हो, हिमांशो चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ ये शब्द। जैसे चंद्रमा का उदय होता है, विकसति, खिल जाता है, खिलता है कौन, कुसुमम, फूल, किसका, कुमुदवत्या, कुमुदनी का फूल। जैसे ही चंद्रमा उदय होगा जो कुमुदनी का फूल है वो खिल जाएगा। अब देखिए क्या बताना चाह रहे हैं, उपमान उपमेय जो है वो कैसे संबंधित है आपस में ये, क्योंकि यहाँ पे उपमान का उपमेय का उपमान के साथ और उपमेय के विशेषण का उपमान के विशेषण के साथ, उनके साधारण धर्म का दूसरे के साधारण धर्म के साथ, ऐसे बिंब प्रतिबिंब होता है। अब इस जो ये श्लोक जो है, जो ये उदाहरण है, इसमें देखते हैं कि कैसे ये बिंब प्रतिबिंब बनता है। तभी नायक के लिए है कि तुम्हारे देखने पर, जैसे ये आया है ना, तभी दृष्टा एव, तुम्हारे देखने पर, ये आया है यानी कि नायक के देखने पर। और दूसरा क्या है, हिमांशो आलोके ही, चंद्रमा के उदित हो जाने पर, ये बिंब प्रतिबिंब आपस में है। फिर तस्या नायिका के लिए आया है और यहाँ पे कुमुद वत्या, कुमुदिनी, इनका आपस में बिंब प्रतिबिंब है। फिर निर्वाति, शांत हो जाता है और यहाँ पे विकसति, खिल जाता है। मनाह, मन, ये क्या है, कुसुमम, फूल, इनका आपस में बिंब प्रतिबिंब है। अब ये जो बात कह रहा है, मनोभव जलितम, यहाँ पे क्या है कि जो काम संतप्त है, तो इस वाक्य के अनुसार हमें क्या पता चल रहा है कि वो सूर्य से संतप्त है। भी जब सूर्य है तब वो उदय नहीं, वो खिलता नहीं है फूल, जब चंद्रमा उदित होता है तब वो खिलता है। तो यहाँ बिंब प्रतिबिंब क्या है, उपमेय के इसमें नायिका के बारे में बात हो रही है, वो उपमेय है हमारा, और उपमान क्या है, जो कुमुदिनी का फूल है वो। अब यहाँ पे क्या है कि जो उपमेय का वाक्य है वो अपना एक अलग वाक्य है, उपमान का जो वाक्य है वो अपना एक अलग वाक्य है, लेकिन इनका आपस में बिंब प्रतिबिंब, हर किसी का, जो यहाँ पे नायक है उसके लिए चंद्रमा, यहाँ पे नायिका है तो कुमुदवती, कुमुदिनी, निर्वाति, कोई क्रिया हो रही है तो उसका ये विकसति, मना है तो यहाँ पे कुसुमम, और जो ये भाव आ रहा है संतप्त होने का वो भी। अब यहाँ पर क्या है कि एक दृष्टांत वाक्य को लेके जो वाक्य का अर्थ है उसका निश्चय किया जाता है, जो ये शब्द है ना दृष्टांत, जो अंत शब्द है, जो निश्चय वाचक है, यहाँ पर निश्चय कर रहे हैं भी ऐसे ऐसे नायिका की स्थिति है, नायक को देखने पे ऐसे ऐसे होता है, और दूसरी तरफ वही कैसे बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक शाश्वत सी बातें हो गई कि वो यूनिवर्सल जो बात होती है, समष्टि रूप में ये बात हो गई कि जैसे कुमुदिनी का फूल जब चंद्रमा को देखता है तो विकसित हो जाता है, खिल जाता है, वैसे ही जो नायिका है, नायक के देख लेने पर उसका जो भी संताप है हृदय का वो शांत हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर भी नायक चंद्रमा है, नायिका कुमुदिनी है, और मन का कुसुम से, निर्वाति का विकसति से है, ये वाला जो भाव है वो सूर्य संतप्त से है, ऐसे इनका बिंब प्रतिबिंब हो रहा है। ये तो था सादृश्यता, कैसे कि नायिका का मन शांत होता है
और उसके बराबर में कुमुदनी का फूल खिल जाता है। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव बातें हो रही है। दूसरा है वैधर्म में, इसमें क्या है कि अपोजिट बात दिखाई जाएगी, एक जगह पॉजिटिव हो रहा दूसरी जगह नेगेटिव होगा। तब आहवे सहस कर्म शर्मणः कर्म कृपाणांतिक अंतिकम आनिनिषत भटाः परेशाम विश्रारुतामगु ददति अवाते स्थिरताम ही पांसवः। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया गया है वो क्या है कि एक राजा है जो युद्ध कौशल में निपुण है, युद्ध कौशल जिनके अंदर है। अब उसके लिए बात कही जा रही है कि वो जब जैसे अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं उतने में ही जो शत्रु की सेना है वो डर के मारे छिन भिन हो जाती है, तीतर बीतर हो जाती है। और दूसरी साइड जो ये एग्जाम्पल ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं कि जैसे हवा ना चले तो धूल जो है वो स्थिर रहती है। देखते हैं उदाहरण क्या कह रहा है। तवा आहवे, आहवे तो युद्ध में, ये शब्द है युद्ध में, जब वो राजा युद्ध करता है तब कैसी स्थिति बनती है युद्ध में। साहस कर्म शर्मणः, साहसिक कार्यों में से सुख वाले भी, जैसे वो राजा है उनका बड़ा साहसिक कार्य है उससे सुख की प्राप्ति होती है, तो साहसिक कार्यों से सुख वाले कर्म तवा तुम्हारे कर्म कर हाथ कृपाण अंतिकमानी निशतः, जब तलवार की ओर बढ़ने की इच्छा करते हैं भी, जैसे युद्ध हो रहा है तो जो राजा है युद्ध कौशल तो वो है, जैसे उसका ये होता है ना कि उसका हाथ तलवार की तरफ बढ़ना ही चाह रहा होता है, बढ़ा ही नहीं है बस बढ़ना चाह रहा है, अभी तक तलवार को जैसे हाथ लिया भी ना हो, इतने में क्या होता है भटाहा परेशान, परेशान मतलब दूसरा यानी कि शत्रुओं के, भटाहा जो सैनिक है शत्रुओं के सैनिक विश्रारुताम अगुहु, ये क्या होता है विश्रारुताम होता है छिन भिन हो जाना, अगु हो गए वो छिन भिन हो गए, जैसे उस राजा को देखा कि वो तलवार की तरफ बढ़ रहा है तो वो जो सेना थी वो छिन भिन हो गई, तीतर बीतर गई यानी कि वो डर के मारे वहां से चली गई। तो ये अर्थ क्या दे रहा है, ये जो छिन भिन अर्थ दे रहा है पलायन के लिए दे रहा है, इसका अर्थ आ गया पलायन कि वहां से वो भाग जाती है। और जो इसका दूसरा एग्जाम्पल जो लिया गया है बिंब प्रतिबिंब बनाने के लिए वो क्या है, ददती अवाते स्थिरताम ही पांसवा, ही निश्चय ही पांसवा धूल, धूल के जो कण होते हैं धूल, स्थिरताम स्थिरता ददती धारण करती है अवाते, अवाते जहां वायु ना हो, वायु के नहीं होने पर धूल जो है वो स्थिरता को प्राप्त करती है। वायु नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही तो जो धूल है वो जमी रहेगी, वो उड़ेगी नहीं। यहां पर क्या दिखा रहे हैं, धूल का स्थिर हो जाना दिखा रहे हैं। और ये क्या दिखा रहे हैं, जो ये बात कह रहे थे यहां पर, और जो शत्रु सेना है शत्रु सैनिक है वो छिन भिन हो जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, यहां पर स्थिरता दिखा रहे हैं और यहाँ पे अस्थिरता दिखा रहे हैं, तो इसलिए क्या ये वैधर्म में है। और बिंब प्रतिबिंब क्या बन रहा है, जो मुख्य बात इसमें ये है भटाहा परेशान कि जो सैनिक है शत्रु सैनिक, शत्रु सैनिक इसका धूल के साथ यही है कि शत्रु सैनिक को पलायन कर जाते हैं, धूल जो है वो स्थिरता को प्राप्त करती है। तो ये वैधर्म में दिखाया गया है, सादृश्यता नहीं है, जैसे ऊपर वाले में सादृश्यता थी कि मन जो है वो शांत होता है दूसरी साइड फूल खिलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो रहा है, यहां पर एक जगह पलायन भागने वाली बात हो रही है दूसरी जगह स्थिर होने वाली बात हो रही है, तो ये वैधर्म है, ये सादृश्यता नहीं है। ये दो एग्जाम्पल लिए गए हैं, एक बार फिर से देखते हैं इसको दृष्टांत अलंकार कहता क्या है। देखिए दृष्टांत अलंकार एक तो अर्थ अलंकार है, दूसरा ये गम्य औपम्य है यानी कि उपमा उपमान ये सब दिखाया जाता है इसमें, और ये क्या है जो पुनः शब्द है वो प्रति वस्तु उपमा अलंकार का भेद दिखाने के लिए, एतेषां सर्वेषां है उपमान उपमेय साधारण धर्म और विशेषण, इन सब का बिंब प्रतिबिंब इसमें बनता है। जो एग्जाम्पल लिए थे दो तरीके से बताए गए, एक साधर्म्य और एक वैधर्म्य। साधर्म्य में क्या था कि यहाँ पर जो नायिका है वो नायक को देखने पे उसका मन जो शांत होता है, और दूसरी ओर जो एग्जाम्पल लिया गया था वो था कुमुदिनी का फूल चंद्रमा के उदय होने पर खिल जाता है। वैधर्म्य में लिया था कि एक राजा है युद्ध में जैसे वो अपने हाथ तलवार की तरफ बढ़ाना चाहता है उसकी जो सेना है वो शत्रु पक्ष की जो सेना है वो भाग जाती है, पलायन कर जाती है, और जो एग्जाम्पल ले रहे थे वो धूल का ले रहे थे, वायु के नहीं होने पर वहां पे स्थिरता होती है, होना ये चाहिए था कि वायु के चलने से वो धूल भी उड़ रही है, तो ये सादृश्यता में आता। तो ये ऐसे दो इसके भेद थे और ये हमारा दृष्टांत अलंकार था। धन्यवाद।